एलसीएम एंड एचसीएफ, डन। एलसीएम और एचसीएफ केस ने दो तीन मेथड देखे हैं। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, तो आपने ये वाले मेथड ट्राई नहीं करने जो मैंने आपको बताया है। फैक्टर बना लेने, कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। एलसीएम में बताया था कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, और एचसीएफ में भी बताया था, यस और नो। और मैंने वेरिएबल वाला भी आपको बताया है, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, इनमें से एचसीएफ कैसे निकालोगे और एलसीएम, ये पुरानी क्लासेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बस ये देख रहा हूं कि यहाँ पर ये जो सबसे आपने इस पे मैं नोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ है, ये नोट पैड में नहीं आ रही है। कल इसको मैं थोड़ा सा अलग मॉडिफाई करके इसके वर्ड चेंज कर लूंगा, तो नेक्स्ट टाइम ये आपको इस पे हम राइट डाउन भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी जो एलसीएम पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉप पे दिख रहा है, लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यही यूज करना है। क्या करना है? देर आर लोट ऑफ मेथड फॉर द सोल्विंग एचसीएफ एलसीएम, पर आपको कौन सा फैक्टर मेथड लेना है? प्राइम फैक्टर वाला। प्राइम जानते हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं प्राइम नंबर? वो नंबर इसके सिर्फ दो ही फैक्टर। यहाँ नंबर वन पे प्राइम मेथड लिखा है, नंबर टू पे डिवीजन मेथड लिखा है। नहीं, इतना नहीं करना, ठीक है। अब यहां से दो तीन चीजें और मिलेगी जो हम मैं राइट करके बताऊंगा आपको, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। एक चीज और है, देखिए, बजाय आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, करने से पहले, या करने आप कर रहे हो अगर स्टोर कर रहे हो, तो जो सब्जेक्ट करना चाहते हो ना, उसकी एक फुल पीडीएफ रखो अपने पास, या बुक रखो जिसमें क्वेश्चन भी और थ्योरी भी हो। क्या हो? अब बजाय आप 10 बुक करने के ना, ये एक पीडीएफ जो मैं आपको विद सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन इसमें, ठीक है, अगर आप इसको 5 साल भी करोगे तब भी ये खत्म नहीं होने वाली है। इसी को, इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 12 बार आप कर लो, बहुत 10, वही वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सारी भी ये नहीं होनी है आपसे, ये पीडीएफ पूरी सॉल्यूशन के साथ है। हालांकि इसके सॉल्यूशन कहीं कहीं डिटेल में डाले गए हैं, क्योंकि कई बार किसी को प्राइम फैक्टर ठीक नहीं लग रहा तो वो कहेगा कि डिवीजन मेथड का मैंने सॉल्यूशन देखा है। सॉल्यूशन मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, लेकिन आपको फॉलो वही वाले करने हैं जो मैंने आपको बताए, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप ये समझिए कि अगर अगर आप एक क्वेश्चन आज करते हो, अभी करा आपने, और वो क्वेश्चन फिर मैं इवनिंग में भी करने को दूं आपको, और वो फिर कल भी करना है, परसों भी करना है, मुझे लगता है 4 या 5 दिन में आंसर याद हो जाएगा क्वेश्चन का, यस और नो। वही चीज अगर आप 2 क्वेश्चन पे करके देखें, 2 क्वेश्चन आप अभी करें, शाम को करें, कल करें, परसों करें, आई थिंक दोनों के आंसर याद हो जाएंगे। इट मीन्स अगर यही पैटर्न बढ़ा के, बस थोड़ा टाइम लगेगा, 500 क्वेश्चन का पैटर्न बन जाए कि आज करें 10 दिन, क्योंकि 500 क्वेश्चन एक दिन में तो नहीं होंगे, फिर 10 दिन बाद करें 500 क्वेश्चन, 15 दिन बाद करें, फिर 1 महीने बाद करें। अब आप बताइए, जब से एक क्वेश्चन का आंसर याद हो गया ना, उनके भी आंसर याद हो जाएंगे आपको, सोल्यूशन याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसको रटना नहीं कहते, क्योंकि रट तो आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा सकते ही नहीं, समझ कर ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वो आपकी स्पीड भी बढ़ा देगा और एक्यूरेसी। 99% स्टूडेंट फेल एग्जाम में इसीलिए होते हैं, मतलब फेलियर इसीलिए है कि वो कंटेंट ज्यादा इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन अभी कर लो, शाम को भी वही कर लो, कल भी वही कर लो, आपके पास कुछ करने को है ही नहीं, वही क्वेश्चन है, तो फिर आप उसी को करोगे बार बार। अगर कंटेंट ज्यादा इकट्ठा कर लिया, आपके पास जो क्वेश्चन आज कर रहे हो ना, दोबारा उसका नंबर आएगा नहीं। मान लिया एवरेज की आपके पास 500 क्वेश्चन है, कितने है? क्या ही करोगे, नंबर कब आएगा? 500 क्वेश्चन का कंटेंट आपने अपने ऊपर एक प्रेशर ले लिया कि एवरेज के 500, मास्टरी नहीं करनी थी आपको, एवरेज के 40-50 क्वेश्चन मोर देन एनफ थे। क्या थे? उनको आपने बार बार रिवाइज करना था। तो एक कोशिश ये करना, इसी पीडीएफ को आप नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना, क्या करना, बजाय डाइवर्ट होने के, ठीक है। ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे डिस्कस हुआ था कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है? ए बाई बी फॉर्म, यस और नो, जिसमें डेनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आई थिंक आप समझ गए होंगे बात। अगर डेनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है तो इश्यू है भाई, तो थोड़ा समझा देता हूं। ये ए बाई बी फॉर्म है स्टूडेंट्स, को फ्रैक्शन बोल रहे हैं आप। अगर बी की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो, अगर बी की वैल्यू, बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या आंसर बनेगा इसका? वन बनेगा ना, क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा? अनडिफाइंड बनेगा। क्या बनेगा? अनडिफाइंड, ठीक है जी।
तो बहुत प्यार से इसको अच्छे से तरीके से इसको समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई फ्रैक्शन दे दिया आपको 1/2। मुझे ये बताइए, अगर आपको मान लिया एक वैल्यू दे दूं मैं 8 और 16, दो वैल्यू है भाई, पहले मुझे ये बताइए क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, यस और नो? न्यूमरेटर क्या है इस क्वेश्चन में, इस वाले में, इस वैल्यू का न्यूमरेटर कितना है? वेरी गुड, जहां कुछ नहीं होता वन तो वहां होता ही है। न्यूमरेटर इसका 8 है, डेनोमिनेटर इसका 1 है, लेकिन जनरली हम इसी बात को भूल जाते हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो होता है, तो अभी तो बोला अगर यहां जीरो होता है फिर तो ये 8/0 कुछ और ही बन गया। क्या बन गई? फिर तो ये कुछ और, फिर तो वन रखने से इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। क्या रखने से मीनिंग चेंज नहीं होगा? इसीलिए कहते हैं कि अगर जीरो है, किसी चीज का मीनिंग जीरो है, कहते हैं कि जीरो कुछ नहीं होता, जीरो बहुत कुछ होता है। अगर मल्टीप्लाई हो गया कितना भी बड़ा नंबर हो उसको क्या बना देगा, और अगर डिवाइड हो गया कितना भी बड़ा नंबर है क्या बना देगा? बहुत बड़ी वैल्यू। जीरो इज ए वैल्यू, जीरो इज ए होल नंबर। क्लियर हुआ? तो जीरो कुछ नहीं है तो जीरो मत कहना, यहां वन है। क्या है ये रूल है इसका। तो अगर इसका एचसीएफ देखें तो पता ही होगा आपको एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ अगर कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो वन तो कम से कम इसका एचसीएफ मानना ही पड़ेगा फैक्टर, यस और नो? क्योंकि वन तो सबका होता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी हम फ्रैक्शन वाले करने वाले। क्या एचसीएफ है इसका? देखो मैंने तो सिंपल बताया आपको, एचसीएफ निकालने का एक तरीका प्राइम फैक्टर होता है, नहीं तो फिर बाय द ऑप्शन निकालें आप। तो प्राइम फैक्टर बना लो, 8 के बना लो, 8 का बना लो 2 की पावर 3 × 1 लिखते हैं। 1 तो फिर प्राइम फैक्टर नहीं होता, इसलिए 2 की पावर 3 सफिशियंट है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, यस और नो? उसके बाद 16 का बना लो, तो 2 तो आएगा ही, 2 तो फैक्टर है ही। एचसीएफ में लिखा हुआ है हाईएस्ट, क्या लिखा है, लेकिन लेना छोटा है क्योंकि फैक्टर हमेशा छोटा होता है, इसलिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में से कौन सी वैल्यू लेंगे? अरे आपको नहीं बताया था x की पावर 6 और x की पावर 8 में से कौन सी वैल्यू लेंगे? बताया था, क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैसे पता चला इसका 8? देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर 2 की पावर 3 इसलिए 8 है कि 2 की पावर 3 क्या 2 की पावर 3 के अंदर है? बिल्कुल है। 2 की पावर 4 के अंदर 2 की पावर 3 है? बिल्कुल है। ऐसे है, यस और नो? अंदर वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक वैल्यू 7 है और ये 13 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? इन दोनों का एचसीएफ कुछ नहीं है, 1 तो है ही। क्या है? क्या 7 के अंदर 1 होता है? हाँ, 1 तो सब जगह होता है। क्या 13 के अंदर होता है? हाँ, 1 × 13 1 13 बनेगा। क्लियर हुआ? एचसीएफ के अंदर है, उसके बड़ी वैल्यू के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो फैक्टर पॉसिबल है। एचसीएफ ठीक है इसका, आया समझ में? अरे एलसीएम क्या होगा फिर? एलसीएम बताओ, एचसीएम में बड़ी वैल्यू लेते हैं तो एलसीएम क्या बनेगा? तो बड़ी वैल्यू बनेगी भाई 2 की पावर 4, 16 एलसीएम है इसका। और एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो ऐसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लिया आपने और एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे। सबसे पहले किससे डिवाइड करें? 2 से क्यों करेंगे भाई? सबसे पहले किससे करेंगे? बिल्कुल सही कहा, 2 से करेंगे। सही जा रहे आप, क्योंकि प्राइम नंबर ही लेने हैं, प्राइम नंबर से ही कर सकते हो। फिर 4 आया, फिजिक्स है, हमारे मन में कभी ख्याल आएगा कि इसको 3 से कर लेते हैं, 8 और 16 4 से कर लेते हैं, किसे कर लेते हैं? स्टार्टिंग ही 4 से कर लेते हैं, लेकिन 4 से करोगे, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2 के बाद किसका नंबर आएगा प्राइम नंबर में? हाँ जी, फिर से 2 से चला जाएगा, तो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 4 4, तो कितना आया आंसर? बोला ही था 2 की पावर 4 आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू लेनी होती है। वेरिएबल वाले क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे लास्ट टाइम? x की पावर 4 x की पावर 6, लो वैल्यू, जो आपकी क्लास चल रही थी, ये सीरीज चल रही है, क्वांट MY02 लेक्चर है इसका, जिसमें मैं PDF भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को और क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? आया समझ में? तो ऑलरेडी आप ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी समझिए, अगर इसका तो आपने
क्वेश्चन फिर से देके देखता हूँ, इसका ट्राई कर लेना, मान लिया 22 और 66 का HCF ट्राई कर लेना और LCM ट्राई कर लेना। बाय डिफॉल्ट यहाँ वन है, इसके वन का कोई फिजिकल मीनिंग ऐसा यहाँ नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ ध्यान से देखना आप चीज को, अगर क्वेश्चन ये बन गया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है आपको, वन बाय टू एंड थ्री बाय फोर। इस क्वेश्चन में डिवाइड में वन बाई टू दिख रहा है, थ्री बाई फोर दिख रहा है, तो क्या दोनों का डेनोमिनेटर वन वन है? नहीं, एक वन वैल्यू के नीचे क्या लिखा है, टू, और थ्री के नीचे क्या लिखा है, फोर। तो डेनोमिनेटर फिक्स नहीं है, मतलब एक वैल्यू नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, सर नो। तो ये प्रॉपर इस तरह से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन की फॉर्म में कहेंगे, ए बाई बी अलग अलग वैल्यू है, सर नो। तो स्टूडेंट इस केस में आप कैलसी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए मुझे ये बताइए, इस टर्म में वन और थ्री क्या है, न्यूमरेटर है कि डेनोमिनेटर है? न्यूमरेटर है। और टू और फोर क्या है? डेनोमिनेटर है। तो स्टूडेंट जो ऊपर वाली वैल्यू है वन और थ्री क्या है, क्या पूछा है वो आपसे, एचसीएफ पूछा हुआ ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर ले, वन बाई टू और थ्री बाई फोर, क्वेश्चन ले लें, वन बाई टू और थ्री बाई फोर, इनका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, होने को तो एलसीएम भी निकलवा सकता है लेकिन एचसीएफ निकालेंगे। स्टूडेंट जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू, इनका तो निकाल लो एचसीएफ, क्या निकालो, वन और थ्री का निकाल लिया, और जो नीचे वाली वैल्यू है उनका क्या निकालना है आपने, एलसीएम। तो बस आंसर बता दो, ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ कितना बनेगा, वन और थ्री, कुछ भी कॉमन नहीं है, वन तो होगा ही होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वन और थ्री में आपस में कॉमन फैक्टर क्या है, वन का फैक्टर वन है, थ्री का फैक्टर भी एक वन होता है, तो वन आंसर आ गया। नीचे टू और फोर में, ये टू की पावर वन है, टू की पावर टू है, बड़ी वैल्यू होती है भाई, तो आंसर बड़ी वैल्यू क्या है यहां पर, तो आंसर क्या आ गया, एनी डाउट? आई थिंक आप इसका, ऐसा नहीं है कि इसका यही एक तरीका है, इसके एक और भी कई दो तीन तरीके और हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, वो चीज करो जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर आप दो मेथड कर रहे हो तो फिर ये ध्यान रखना कि दो मेथड के लिए आपको दो बार रिवाइज करना पड़ेगा उस टॉपिक को, मतलब ये क्वेश्चन करना है फिर वो भी करना रिवाइज। अगर गलती से नेक्स्ट टाइम आपने एक मेथड कर लिया और आज दो कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके फिर दोनों मेथड ट्राई कर लिए, फिर कुछ दिन बाद एक मेथड ट्राई किया, ऐसे करके जब पेपर में बैठोगे, ट्रस्ट मी, आपको दोनों मेथड याद आ जाएंगे और क्लियर कट कोई सा भी याद नहीं आएगा। दोनों से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप ना तो कॉन्फिडेंट पहले वाले पे हो, ना कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि दोनों को आपने टाइम ही नहीं, दोनों को ना तो उसी को टाइम दिया जाता ना उसी को, क्योंकि दोनों का टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, इसलिए चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लग रहा है, डिफिकल्ट मेथड भी लग रहा है, करो उसी को ही, सीधी सी बात है, एक ही पे ट्राई करना है, समझ में आया। मल्टीपल मेथड सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए होता है कि यार इससे ट्राई कर लो, इससे कर लो, आप देखो कैसे करना है। बस जिस दिन क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अब लोग कर लो, क्या कर लो, अब दुनिया में कोई भी समझाने आ जाए आपको, मैं नहीं समझूंगा, मैं अपने तरीके से करने वाला हूं उसको, क्योंकि मुझे अब इस क्वेश्चन को करने में मात्र टाइम देख लो ना, 10 या 15 सेकंड लगते हैं, बहुत है, क्या कहते हो, आई बात समझ में? हाँ जी, अब स्टूडेंट ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एलसीएम पूछ लेगा, कितना आंसर आ रहा है देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, बाई फोर। मैं मार्कर नहीं चला पा रहा हूँ, पीडीएफ ये एनसीएफ अपलोड नहीं हुई है नोटपैड पे, लेकिन आई थिंक आपको विजिबल है, दिख रहा है 1/4 HCF of above number and LCM of denominator number. लेकिन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन में देखिए आप, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं आगे करूं स्क्रीन पे देखिए, 1/2 एंड 3/4 का जब LCM पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, तो क्या करना होगा, ऊपर वाली वैल्यू है 1/3, इनका तो ले लो LCM, क्या ले लो, और जो नीचे वाली वैल्यू है इनका ले लो HCF, हो गया। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे भाई, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो समझो HCF LCM को लेकर आप एक डिफरेंट कैटेगरी भी समझ पाए हो, ये बिल्कुल HCF LCM का एप्लीकेशन है,
क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब होता है इसको यूज करके आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी सोल्व कर रहे हो, यस और नो? ठीक है जी, तो कर लेना इसको। एलसीएम एचसीएफ सिखा दिया आप लोगों को, जिसको 1% भी डाउट है, 1% भी डाउट है, क्लास को बार एक बार देखे, दो बार देखे, तीन बार देखे, ठीक है? हाँ जी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में टॉप पे लिखा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। राइट हैंड साइड दिख रहा है आपको, लिखा ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में? दो नंबर के केस में उन दोनों नंबर का एलसीएम, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उन्हीं दो नंबर के जो मल्टीप्लाई आपस में कर लिया जाए तो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। प्रीवियस क्लास में सिखाया था ये कंसेप्ट मैंने आपको, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएफ, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ। टू नंबर के केस में हमेशा ऐसा ही होगा। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट पूछेंगे बाद में कि सर थ्री नंबर फोर नंबर में क्यों नहीं हो रहा है? देखिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, थ्री नंबर के केस में नहीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, फोर में नहीं हो रही है। आपको तो जो प्रॉपर्टी जहां सेटिस्फाई हो रही है वही याद रखनी है, क्लियर है? आपको इस बात के लिए चिंता नहीं करनी कि सर थ्री नंबर के केस में फिर क्या होगा। अरे थ्री के में क्या होगा, फोर के में क्या होगा, वो तो सोल्यूशन करना है ना उसका। फिर आपको हमेशा केस टू का दिया जाएगा, क्योंकि वैलिडिटी टू के केस में है। किसमें है? जैसे इसका एडवांस वर्जन बनेगा ये रेशियो में चला जाएगा, दो वैल्यू का रेशियो दे देगा, उनका एचसीएफ दे देगा। वो ट्रिक मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखा भी चुका हूं, और आपको फिर से जैसे एक बार फिर से पीडीएफ के थ्रू चीजें आएंगी मैं अपडेट भी कर दूंगा आपको। तो ये फॉर्मूला आपने एक बार देखना है। आगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के लिए आज ही नोट करो, टाइम एंड वर्क के लिए एक मोर बाय लेस, लेस बाय मोर का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। जिन्होंने नहीं करा वो अपकमिंग क्लासेस में देख लेंगे फिर से, जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी लर्निंग में चल रहे हैं। आई थिंक आप सबको याद होगा कि किस तरह से लर्निंग आप जब करते हो मोर बाय लेस, लेस बाय मोर से, तो टाइम एंड वर्क के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व किया जा सकता है, यस और नो? आई थिंक आप चीज समझ रहे होंगे, ठीक है? टाइम एंड, तो ये कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कहीं भी, एक्चुअल में ना ये जो टाइम एंड वर्क है आप सोच रहे होंगे सर कल कर तो अच्छी एलसीएम रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्यों आ गया आपसे? ये टाइम एंड वर्क तो अलग टॉपिक है। देखिए अलग तो कुछ है ही नहीं, है तो ये सारा मैथ ही। एक्चुअल में टाइम एंड वर्क के अंदर एप्लीकेशन समझते हो आप, एक तो चीज होती है कि किसी चीज को जानना, और एक होती है उसका एप्लीकेशन। क्या होती है? आप लोगों में से कितने ही लोग ये नहीं जानते होंगे कि मोबाइल काम कैसे करता है, कि उसमें टेक्नोलॉजी भी करता है। तो वो तो है मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, 3G चल रही है। अब आप कहेंगे मुझे तो सारा पता है, 3G 4G सारा पता है, फिर मैं आपको कहूंगा चाहिए बताओ कौन से स्पेक्ट्रम पे चल रही है, एस बैंड पे चल रही है, के यू बैंड पे चल रही है, कि टीई बैंड पे चल रही है। तो टेक्निकल तो चीजें ऑलरेडी इसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियर जो काम कर रहे हैं ना वही कर रहे हैं। हम सिर्फ मोबाइल का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ रील बनानी आती है, ये सर नो? उस या सारा दिन रील देखना आता है, दैट इज, आपने सॉफ्टवेयर थोड़ी ना क्रिएट किया है। सॉफ्टवेयर जिसने कर, हम उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी है, आप अच्छे से यूज कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं, फैन चला रहे हैं, आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। कोई भी पर्सन है इंडिया में या कहीं पर भी वर्ल्ड में, उसको स्विच ऑन करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? उसको मतलब नहीं है कि करंट क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है, सर नो? इलेक्ट्रिकल मशीन कैसे काम करती है, एसी मशीन कैसे वर्क करती है, डीसी मशीन कैसे वर्क करती है, दैट जिस जो वर्क करती है दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन, वर्क। लेकिन जो एप्लीकेशन है, क्या मैं एसी मशीन चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकता हूँ। स्विच लगाना है, ऑन करनी है, दैट इज यूज एप्लीकेशन। सो टाइम एंड वर्क में यहाँ पर एप्लीकेशन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? किसका? एचसीएफ एलसीएम का, इसलिए टाइम एंड वर्क यहाँ पर मेंशन हो रखा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब समझदार स्टूडेंट्स हैं, ये बातें समझ रहे होंगे कि एप्लीकेशन अलग होती है। क्या होती है? उसका यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ का यूज किया जाएगा। जब आप ये सॉल्यूशन देखोगे, ये सॉल्व किए हुए वैल्यूज, मैं आपको बोल चुका हूँ इसके लिए भी मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको अलग लॉजिक दूंगा, इससे भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करना चाहो ये हर जगह आप लगा सकते हो, बस आपको एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करना चाहिए। एचसीएफ एलसीएम समझ लो, फिर से सुन लो मेरी बात, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, होता हाईएस्ट है लेकिन देखना फैक्टर सबसे छोटी वैल्यू होती है, सर नो? एलसीएम होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा लेकिन देखना सबसे बड़ा वैल्यू होती है। क्या होती है? क्योंकि मल्टीपल बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर छोटी वैल्यू होती है, यस और नो?
तो ये स्टोरी है भाई, इसके अंदर भी ये यूज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट आता है पेपर में। आज मेरे पास RS अग्रवाल बुक नहीं है, क्योंकि मैथ के लिए ना कम से कम 8 या 10 बुक मैंने रेफर की है, और वो 8 या 10 बुक रेफर करने के लिए मतलब अगर वो सारी बुक्स मैं एक बार में पढ़ाऊंगा कराऊंगा तो मुझे कम से कम 2 या 2.5 साल लग जाएंगे पूरे मैथ को पढ़ाने में, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन ये बहुत बार एज इट इज रिपीट हुआ एग्जाम में, उस बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता उनसे जब सिलेक्शन होती है कि कौन सी बुक से आप पढ़े हो, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी बुक को, नोट्स पता नहीं नोट्स कहाँ से मिले थे, उन नोट्स में से सिलेक्शन होगी, क्योंकि नोट्स एक्चुअल में कंपाइल वहीं से हुए हैं जो ओरिजिनल बुक टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो उनको पता भी नहीं चलता स्टूडेंट्स को, इसलिए बोलते सिर्फ नोट्स पे फोकस करो 100% और कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स बात आती है अगर नंबर ऑफ रो, अब जैसे कि एक सिचुएशन पूछी है, जैसे कि कहीं पर कोई गार्डन होता है ना, गार्डन वगैरह होते हैं, तो वहां पर 36 एप्पल के ट्री लगे हुए हैं, ऐसे मान लो 72 मैंगोज के ट्री लगे हैं, और आगे कितना है 48 चेरीज के ट्री लगे हुए हैं, ठीक है। हर रो में कंटेन सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ वन टाइप, हाउ मैनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो 36, घर जाकर इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना 2 बार 3 बार, आपके पेड कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी PDF। आपने करना है जो 36 72 से 48 लिखा है ना, फिजिकल मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, इन वैल्यू का पहले LCM ले लेना, क्या ले लेना, और इन्हीं वैल्यू को एक बार इनका HCF ले लेना, क्या कर देना, और दोनों को A/B फॉर्म में ले आना, आपको आंसर आ जाएगा 12 रो लगेंगी, कितनी लगेंगी 12 रो लगेंगी। तो ये जो आप अभी कर रहे हो नंबर ऑफ रो निकालना कि कितनी रो में कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, टोटली ये कंप्लीट हो जाएगा जितना इसने बनाया। अब ये वैल्यू डिफरेंट भी कर देगा तो तब भी आपने ही करना है, ऊपर क्या लेना है वैल्यूज का LCM, और नीचे क्या लेना है डेनोमिनेटर में HCF। तो टोटल नंबर ऑफ नो रो जो होगी, ये वैल्यू जो भी वैल्यू दी है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक किसका यूज है, LCM का और HCF का। मैं अभी बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किससे, RS अग्रवाल बुक से, ठीक है, जिसको एग्जामिनर आज भी डायरेक्ट उठाते हैं। क्या उठाते हैं, एक और क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक का, ठीक है, रिंगिंग बेल का, किसका, रिंगिंग बेल का, ये इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको ब्लैक ये दिख रहा है ना, एक ब्लैक पट्टी दिख रही है, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा इलुस्ट्रेशन नंबर 4, ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स को, आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा, ये मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे बेल रिंग होती है, क्या होती है, बेल रिंग, रिंग द बेल होती है ना मंदिर में, ज्यादा टेम्पल में रिंग, तो अलग अलग टाइम पे वो चलती रहती है ना। तो स्टूडेंट ये कह रहा है किसी टेम्पल में, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल वे में जिस तरह से आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा और कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देर आर टू बेल इन द टेम्पल, दो बेल है टेम्पल में, जो पहली रिंग हो रही है 60 सेकंड में, दूसरी रिंग हो रही है हर 75 सेकंड के बाद। तो पहली हर 60 सेकंड में रिंग होती है, दूसरी हर 75 सेकंड में रिंग होती है, उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टूगेदर फर्स्ट टाइम, वो एक साथ कब रिंग होंगी, एक 60 पे और एक 75 सेकंड के बाद। जैसे पहली बार आपने एक रिंग, दो रिंग है उनको ऑन करना है, एक 60 सेकंड के बाद टन ऑन हो गई, एक 60 सेकंड के 15 सेकंड और लगेंगे उसको, उसके बाद उसकी आवाज आएगी रिंग, यस और नो, क्योंकि पहले वाली ने कितना टाइम लेना रिंग होने में, दूसरे वाली ने कितना लेना है, तो कितने सेकंड का फर्क है रिंग होने में, 15 का। अब ये बात याद रखना, लेकिन या क्या ये दोनों रिंग कभी एक साथ रिंग हो सकती है, इस सिचुएशन को एक और जगह लेके जाओ। जैसे कभी आप ट्रैफिक में जाते हैं तो आपने देखा ना, आप देखोगे यार मुझे ना रेड लाइट मिल गई, क्या मिल गई, वो रेड लाइट में भी होता है कि एक साथ 3 रेड लाइट है, 4 बजे एक साथ, अभी यहाँ पर जैसे 3 चौक है, ठीक है, चंडीगढ़ में मोहाली में देखा भी होगा आपने, गोल चक्कर होते ना, तो अभी जैसे 4 बजे सारी बेल एक साथ रिंग हुई है, और हर बेल के रिंग होने का टाइम 15 मिनट 10 मिनट ऐसे आगे पीछे है, तो दोबारा एक साथ कब रिंग होंगी। तो ये सेम क्वेश्चन जो अभी मैं समझा रहा हूँ ये ट्रैफिक लाइट वाला भी बनेगा। अब स्टोरी सुनिए, आप मुझे सिंपल सा बताइए, अगर मैं कॉपी पकड़ के बताइए, इसमें ये रिंगिंग बेल वाले ट्रैफिक वाले में ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक वैल्यू है 11, एक 66 है, क्या है 11 और 66, 11 को थोड़ी देर के लिए मान लो एक बेल है, ये भी एक बेल है, क्या है, अज्यूम आपको इसके अंदर बेल दिखनी चाहिए, 11 नहीं दिखना चाहिए, आपको लगना चाहिए बेल है, और आपको रिंगिंग सुननी भी चाहिए,
इतनी पावर आएगी तब एग्जाम क्लियर होंगे। आपको लगना चाहिए बेल है कितनी, उसमें बोलना चाहिए आपको ये, इसकी रिंग कम करो थोड़ा ज्यादा हो रही है। स्टूडेंट अब ध्यान से देखो, ये बेल है, एक साथ रिंग कब होंगी, मतलब एक साथ कब मिलेंगी। आप ये बताइए, 11 पहली बेल, 2, 3, 33, 34, 55, 66, 66, 66 है ही, तो 11 जैसे 66 पे आएगा, ये 66 ही है। क्या ये मिरर इमेज बन रही है? बिल्कुल, मतलब ये 66 पे पहली बार मिली है। किस पे मिली है? 66, 66 पे है ही, और 11 66 पे, 11 को 6 स्टेप चलने पड़े तब वो 66 पे पहुंचा। इसका मतलब जो भी सेम मिलने का टाइम है, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखते हैं। किसमें देखते हैं? क्योंकि 11 और 66 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, पहली बार कब मिलते हैं? वो एलसीएम पे मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? तो मतलब क्लियर है इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या निकालेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पढ़ें, एक वैल्यू लिखा है एलसीएम दिख रहा है आपको सेकंड लाइन में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एलसीएम लेकर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सब एग्जाम्स इस चीजों को देखो, पूरी लाइन पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। टू फाइंड मेरे साथ पढ़ ले इस लाइन को, व्हेन द बिल रिंग बेल रिंगिंग टुगेदर वी विल रिक्वायर, क्या लिखा है पढ़ के बताओ, रिंग वी विल फाइंड द एलसीएम, क्या फाइंड द, तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 क्या बनेगा, 300 सेकंड, कितना आएगा, 300 ही आएगा सेकंड, तो इसलिए बोला ना, क्योंकि पहला क्या है 60 मिनट है, 60 सेकंड है सॉरी, दूसरा क्या है 75 सेकंड, 60 सेकंड और 75 सेकंड का जो एलसीएम है आई थिंक आप कर लेंगे, आराम से कर लोगे एलसीएम निकाल लोगे, तो उसका एलसीएम कितना बनना है 300। तो क्या लिखा है, सो द बेल विल रिंग टुगेदर फर्स्ट टाइम आफ्टर 300 सेकंड, तो क्या लगाया आपने, आप बताइए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मैं आपसे ऐसे पूछता पहला ही क्वेश्चन क्लास में आज कि 60, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लूं 60 और 75 का एलसीएम निकालूं, सिर्फ यही पूछ रहा हूं आपको, कोई मैं बेल नहीं सुना रहा हूं, कोई ट्रैफिक लाइट की बात नहीं कर रहा, इसको कर सकते हो क्या आप? अभी इसमें स्टेटमेंट नहीं डाली, लेकिन स्टेटमेंट डालने के बाद ये क्वेश्चन कुछ और हो गया, लेकिन निकाला तो तब भी एलसीएम, क्या कहते हो, तो क्या एलसीएम आएगा इसका? आप ट्राई करिए इसका एलसीएम, आप इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करके डेफिनेटली वो 300 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और अगर वो 300 नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, पता चल रहा है भाई, इस सीरीज में आपको लर्निंग लेवल पर, प्रैक्टिस लेवल पर हर तरीके से मैथ आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। बस आपका काम इतना सा है, आप रिवाइज करके, प्रैक्टिस लर्निंग तो हो चुकी है आपकी, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें और रिविजन पे, ठीक है। फिर से स्टूडेंट्स यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं याद करने के लिए, इसमें से कुछ आपके काम की और कुछ काम की नहीं है, तो जैसे ही कल ये अपलोड हो जाएगी मेरे नोट पैड के ऊपर, मैं क्रॉस कर दूंगा वहां पे जो जो चीजें आपने नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से करेगा तो वो भी कर सके, बस फर्क ये होगा वो इसको 2 साल में करेगा और आप इसको 15 दिन में करोगे, राइट, इसमें करोगे, यही फर्क है, करेगा तो वो भी इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अभी 4 PM हो रहे हैं, एक बेल है, ये बेल 1 है, एक बेल 2 है। स्टूडेंट बेल 1 ना हर 60 सेकंड के बाद बेल होती है, रिंग होती है, और दूसरी बेल 75 सेकंड के बाद रिंग होती है। मुझे आप ये बताइए दोबारा वो क्या टाइम होगा जब ये दोनों बेल एक साथ रिंग होगी, कौन बताएगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे, रिंगिंग द बेल मिस मतलब एलसीएम, और ये कितने टाइम के बाद रिंग होंगी दोबारा, कितना टाइम है भाई, क्या एलसीएम इन दोनों का, क्या इन दोनों का एलसीएम निकाल पा रहे हो आप? बट एलसीएम इज डेफिनेटली 300 सेकंड, आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर जिन लोगों को एलसीएम में भी दिक्कत आ रही है वो मेरे साथ एक बार फिर से देखेंगे, ऐसे करेंगे एलसीएम, ऐसे करेंगे, देखो ऐसे,
सो किससे डिवाइड करें सबसे पहले, पहला प्राइम नंबर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 को 75, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, 10, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 से कर दें, 4 से क्यों नहीं करेंगे, 5 से कर, 4 प्राइम नंबर नहीं है वैसे भी, कोई से वैल्यू डिवाइड भी नहीं हो रही 4 से, तो 5 से करें, क्या प्राइम 5 प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 5 से किया 30 आ गया, 30 को 2 से किया 120 आ गया, ठीक है। ये तो 600 आ रहा है, चेक करना एक बार, अरे यही आ रहा है क्या, 300 ही आया, 5 इंटू 10, रिवर्स साइड से चेक करते हैं, 5 इंटू 10, 10 इंटू 5, 50, हाँ 50 इंटू 6, 300 ही आ रहा है, मैं एक, मुझे एक और अंदर से 300 में 2 दिख रहा था, ठीक है, तो 300 इंटू 2 कर दिया मैंने, तुम तो कोशिश करनी है मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही करो, जो चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है वही करते चले जाओ, तो क्या आंसर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि दोबारा रिंग कब होंगी, यहां समझिए इसको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप क्या करो 4 बजे तो रिंग हुई थी, 4 बजे के बाद फिर कब मिले 300 सेकंड, 300 सेकंड के मिनट बना लो, 300 सेकंड के मिनट बना लो, इसको 60, अरे मुझे एक बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे 300 सेकंड, बस हो गया, तो दोबारा रिंग कब होंगी 4:05 पर, यही होगा ना, आया समझ में, बस यही क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके से करना है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और ये चीजें इस तरह चलती रहे तो बहुत अच्छे वे में आप क्वांट एप्टीट्यूड कहते हैं, जहते है तो ये मैथ ही, और कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आओगे। ये टेबल आप लास्ट क्लास में जो मेरी क्लास हुई थी पहले MY01 करके, क्वांट MY02 चल रही है, इस क्लास में आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है कि लास्ट डिजिट कुछ स्पेशल पैटर्न देखकर आप पहचान सकते हो कि डिविजिबिलिटी क्या है, अगर किसी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट में वो 2 से डिवाइड हो जा रही है तो नंबर पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से, लास्ट 2 डिजिट तो वो 4 से इजिली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 8 के लिए कैसे चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो आई होप इसमें मैंने कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दिया है, ये तो ये इसमें सारा डाल दिया है, इसमें आप देख कर इसको कंप्लीट करके 10th तक कर लेना, 10th के बाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, कहा ना इसमें बहुत कुछ ही डाल दिया गया है डिटेल में, ठीक है, तभी ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, बहुत हैवी फाइल हो रही है, तो इसको मैं थोड़ा कम करूंगा फाइल को, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ डाले गए, किसके साथ डाले गए सॉल्यूशन के साथ, सो दैट आपको कुछ प्रैक्टिस आप कर पाओ इन चीजों को लेकर, अब जितना पढ़ा है वो सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है, जितना 2024 एग्जाम के लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, कोशिश तो यही करी गई है इस सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाए, तो वो कर दिया है वो काम, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज भी डाली गई है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होंगे, लिमिटेड करो ट्राई, क्या करो बस टिक कर लो कि वो आपने अच्छे से ट्राई करना है, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ हर टॉपिक के 10 10 15 15 क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम के हिसाब से टारगेट कर लेने, ठीक है, हर सैटरडे आपका टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट देख लो कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, 1% भी एक्सेप्ट में दिक्कत आएगी तो इमीडिएटली मुझसे पूछना है तो सर ये क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, मुझे आपको मैथ में एक्सपर्ट नहीं बनाना, मैं चाहता हूँ कि पेपर में आपके मैथ के क्वेश्चन ठीक हो जाएं, ठीक है, एक्सपर्ट बनने में और क्वेश्चन ठीक करने में बहुत फर्क है, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन आते हैं शायद वो पढ़ा नहीं पाएगा किसी को, ये मैंने कैसे निकाला है, बस वो कहेगा निकाल दिया मैंने, तो यही तो चाहिए, ठीक है, तो बहुत फर्क है इस चीज में, ये आंसर की है और इन एक्सरसाइज के भी सोल्यूशन है भाई, इन एक्सरसाइज के भी क्या है सोल्यूशन, तो ये पूरी एक्सरसाइज के सोल्यूशन है, यहाँ से ये देख लेना, 1% भी नहीं छोड़ा है कोई काम, ठीक है जी, सब एलसीएफ एलसीएम का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली इसको रमन सर से कलेक्ट कर लेना, मैं रमन सर को सेंड कर चुका हूं, हाँ जी स्टूडेंट, अब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें अलजेब्रा भी आता है, क्या आता है, और पावर एंड सर्ड एंड पावर सर्ड एंड इंडिसेस भी आती है, क्या आती है,
सर्न इंडिसेस भी आती। तो सिंपलीफिकेशन अभी शुरू मत करना, नेक्स्ट टाइम मंडे को मैं सर्न इंडिसेस और एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई कराऊंगा, जिसमें लार्ज लार्ज स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ मुझे और अपडेट हुई है कि जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अपडेट मैं आपको करके दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। हाँ, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है, 90% तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन दो या चार क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिससे मुझे आपको थोड़ा और इसमें हेल्प करना होगा, जिसमें पूरी तरह से ये अल्जेब्रा वगैरह के फॉर्मूले रट के मत आना। एक बार भी पीडीएफ मिला और पूरा बोले कि आज नहीं छोड़ेंगे मैथ को शाम तक, ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद करने, समझना है बस, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सर्ड एंड इंडिसेस को लेकर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर को अभी होल्ड रखेंगे, इसमें एंटर भी मत करना। तो ऐसी परसेप्शन बनाई गई है कि सिंपलीफिकेशन बहुत टफ है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लार्ज लार्ज क्वेश्चन को ट्रिक से 10 या 15 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये सारे डिटेल में डाल दिया है, ठीक है। एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम हर स्टूडेंट्स को ये 6 to 10th का मैथ एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। इसमें मैंने बहुत चीजें अपडेट कर दी हैं, ठीक है, सो दैट, ठीक है, सो दैट आपकी, देखिए ये सारी चीजें ना, सिंप्लीफिकेशन का एक रूल बताता हूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन का ये वो चैप्टर है जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, क्या होगी, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक ही काम करना होता है, कैलकुलेशन ही करो बस। अगर आप वेजिटेबल लेने जाते हो और अगर वो बोलता है कि 2.5 kg 34 रुपीज की है, तो बताओ 1 kg कितने का हुआ, तो पहले दिन तो पता नहीं चलेगा, है ना, या 250 ग्राम कितने का हुआ, लेकिन 4 या 5 दिन चले गए, आप घर वालों को बोलो अब मैं वेजिटेबल ही लेके आऊंगा, क्योंकि मैरिज तो मेरी होनी है, फिर भी तो लेके आऊंगा, समझ में आया, तो लाने पड़ेगा भाई फिर तो, चाहे कुछ भी हो आप। तो अब जब 4-5 बार जाओगे तो आपको ट्रिक आ जाएगा कि किस तरह से यूनिटरी लगाना, मेथड क्या लगाना है कि 1 kg के हिसाब से कैसे निकालना है, तो जो चीज नहीं हो रही है करना ही पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत छोटे छोटे, ये एग्जाम में तो नहीं आएंगे, इधर देखिए आप, ये एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन को क्या करेंगे, स्पीड करें, स्पीड अप करेंगे आपकी, ठीक है, स्पीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एग्जाम के लिए मेरी कमिटमेंट आप लोगों को सिर्फ इतना ही है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। इसको करने के बाद एक ही केस बचता है, आप पेपर में मैथ के क्वेश्चन नहीं करके आओगे, बस आपकी मर्जी नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, नहीं होगा तो हो, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपसे अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। जस्ट ये जितने भी क्वेश्चन है टू मेन टू इंप्रूव द स्पीड ओनली, जनरली अगर क्लरिकल लेवल के एग्जाम की बात करें तो उनको ही ज्यादा चाहिए, समझ में आया। तो आपने मॉक टेस्ट के हिसाब से आप देखें कि ये क्या ही आपको रिक्वायरमेंट है इसमें, ये भी आंसर की के साथ, और मैं एक बार इसको, क्योंकि कल ही अपडेट हो गए मुझे आई है इसके सॉल्यूशन भी अपडेट, ठीक है, ये देख लीजिए आप, राइट। आई होप आपके लिए ये जो कंटेंट दिया जा रहा है ये मोर देन एनफ एनफ है, क्या है, तो इतना होगा ही नहीं तो फिर मोर देन एनफ हो गया, ठीक है। तो आज क्लास लर्निंग क्लास की MY02 चल रही है, और मैं कम से कम 3 या 4 चैप्टर आपको बता चुका हूँ कि ये आप अगर इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपके पास अगर 3 या 4 महीने बाद एग्जाम है तो आपको अभी से ये काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको रिवीजन भी करनी है और बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ रहे होंगे और सब इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको जनरली आई थिंक ये परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है, एलजेब्रिक आइडेंटिटी। स्टूडेंट कोशिश ये करेंगे ये चैप्टर भी आप स्किप करें, अभी क्या करें इसको अभी नहीं करते, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसको स्किप करके ये एंड में करेंगे हम, ठीक है, इसको सिंपलीफिकेशन, इसको अलजेब्रा के बाद हम करेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई इसको नहीं निकाल सकता, बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन कुछ है इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके लिए थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। अभी हम सिंपल क्वांट कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, जो नॉर्मल आपका एवरेज रेशियो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उन पे हम पहले जाएंगे। ये अल्फा बीटा गामा है, थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हैं यहाँ पर, तो इनको छोड़ेंगे। इसके बाद आई होप परसेंटेज आपको आना आना चाहिए।
दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ चैप्टर वट एवर इन योर सिलेबस. मैंने इसको कॉन्क्रीट फॉर्म में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया अपडेटेड फॉर्म में. और ऐसा नहीं कि मैं आज इसको यूज कर रहा हूँ, 10-15 साल से ये चीजें हो रही हैं अपडेट, और इसको रिवाइज बस आपने करना. नाउ द इंटरेस्टिंग चैप्टर इज परसेंटेज. ये वो चैप्टर है परसेंटेज जिसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है. ये जो मैथ आपको मैं करवा रहा हूं, इसके बिना सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जिसकी नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन. आज इंडिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां डाटा को इंटरप्रेट नहीं किया जाता. बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, अगर वो क्वेश्चन करना चाहते हो तो परसेंटेज समझ लो. अगर रेशियो करना चाहते हो, कोई फॉर्मूला नहीं करना चाहते तो किसको समझ लो, परसेंटेज. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट समझना चाहते हो तो परसेंटेज. डिस्काउंट करना चाहते हो तो क्या, परसेंटेज. परसेंटेज वो इंपॉर्टेंट है, की है ये आपके मैथ को पकड़ कर रखने की, ठीक है. तो इसका ऑलरेडी मैंने आप प्रीवियस क्लासेस में इसका एक ओवरव्यू दिया था. नेक्स्ट टाइम मंडे को हम परसेंटेज से शुरू करेंगे, राइट. परसेंटेज से अलजेब्रा को भी हम परसेंटेज के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का ज्यादा रोल है. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, देन डीआई, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद देखेंगे जो आपके अलजेब्रा वगैरह है. अगर कुछ बचा हो सकता है पहले टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का हमारा कुछ बन जाए, क्योंकि जिस तरह से ये पीडीएफ आई है वो तो ऑर्डर हमारा नहीं होगा चलने का, क्योंकि हम जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे, हम उस ऑर्डर में एक्चुअल में पढ़ेंगे जिस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए. मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले क्या पढ़ा होना चाहिए, सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट से भी क्या पहले क्या पढ़ा होना चाहिए था, परसेंटेज. अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, बाद में ये बोला अच्छा ऐसा करो वो जो फॉर्मूले पढ़े थे ना भूल जाओ उनको, उनको करना नहीं था, गलती होगी, परसेंटेज ही हो जाएंगे, तो टाइम वेस्ट हो गया ना. जब करना ही नहीं थे वो फॉर्मूले तो याद क्यों करवाए. तो परसेंटेज में मैं वो सारी चीजें कंक्लूड करूंगा, ठीक है. आप लोग एक काम करेंगे, ये जो परसेंटेज जहां से शुरू हुआ ना, इसके सोल्ड वाले क्वेश्चन, जैसे एक वैल्यू लिखी हुई है 3/5, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए. पहला ही क्वेश्चन इलिटरेशन में दिख रहा है, एक वैल्यू देखो ना 3/5 लिखा हुआ है, जस्ट वेट. हाँ जी, एक वैल्यू लिखी हुई है. वैसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज का मीनिंग होता है कि जो एक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए. इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखना होता है इसको, एक्स को किससे डिवाइड कर दिया जाए. जब एक्स परसेंटेज को आप ब्रेक करते हो एक्स बाई 100, तो वो वैल्यू किस में आ जाती है, ए बाई बी फॉर्मेट में आ जाती है. इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, करके देख लो. 25% को ब्रेक करो, परसेंट का मतलब क्या है, 200 100, तो क्या आ जाएगा, तो देखो. अब आपको क्वेश्चन, अब वापिस ए बाई बी फॉर्म आ गई, अभी क्या किया था, डिवाइड किया था. अब ए बाई बी फॉर्म को वापिस यही बनाना है, तो क्या करेंगे, अभी डिवाइड किया था तो क्या कर दो, तो आंसर कितना आएगा सॉल्व करके, आ गया. अब 1/4 करना है, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया है वो क्या वैल्यू है, तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये नहीं करना, ये तो तब करना जब ऑलरेडी 3/4 के साथ क्या लिखा होता, परसेंटेज लिखा होता. परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर क्या लिखते हैं, जब ऑलरेडी 3/4 लिखा है उसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, किसके साथ लिखा जाएगा, 25 नहीं है यार, ये कितना है, 75 है, कितना है. आई होप आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छे वे में हम क्वेश्चन कर पाएंगे. तो यहीं पर आज क्लास रोकते हैं. सबको समझ में आया होगा भाई, सबको समझ में आया, तो ये आज लर्निंग का क्वांट MY02 लेक्चर आज अपलोड आपको सबको मिल गया, ठीक है. कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी. चलिए, थैंक यू वेरी मच.
वरुण आशीष मानसी एनी डाउट एनी डिफिकल्टी भाई आप लोगों को किसी को दिक्कत है ठीक है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना इसको कलेक्ट कर लेना बस ठीक है अपने पेड कोर्स में कलेक्ट नहीं करना हंगामा नहीं करना या पीडीएफ दे दो मैं पीडीएफ दे दो पेड कोर्स में डलवा लेनी है शालीन तरीके से व्हाट्सएप मैसेज करना ग्रुप में आपको ऐड हो जाएगी ठीक है समझ सकते ठीक है जो जो भी आपका बैच चल रहा है